भी कह रहा हूं, वो पुलिस के डंडे के रोड पे कुछ लोग सांसद और विधायक कर गए। कभी दिल की खुशफहमी दूर करनी हो तो एक ईमानदार चुनाव कर ले। अगर अपने घर का बूथ भी जीत जाए तो बड़ा एहसान होगा। और दफ्तर में बैठे तो साइलेंट क्यों क्यों करते जा रहे थे। बहुत अच्छी बात है आपकी दुआओं से जीत कर उत्तर प्रदेश की असेंबली में पहुंचा सबसे कम उम्र का विधायक। मेरे ऊपर मैंने गलत उम्र बताई है, मुझे हटा दिया गया, मैंने कोई अफसोस नहीं। मैं कहना नहीं चाहता और सच कह रहा हूं, आज भी बहुत भारी दिल के साथ आपके सामने कह रहा हूं। मैंने कभी अदालतों के फैसलों पर उम्मीद नहीं उठाई, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है मुझे किसी को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी साहब को, न भारतीय जनता पार्टी के किसी संविधान के विधायक को कि मेरी उम्र क्या है, कि मैंने क्या सच बोला और क्या झूठ बोला। मेरा सच मेरा अल्लाह जानता है, मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे लोग जानते हैं, मेरे वालदैन जानते हैं। इसके अलावा मुझे उस सच को बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं। हर रोज हर दिन हर लम्हा जलील किए जाते हैं हम, हर लम्हा कीचड़ उछाली जाती है हमारे ऊपर, हर लम्हा जिद्दत का घूंट पीना पड़ता है हमें, हर लम्हा टीवी पर अखबारों पर जालियां खाना पड़ती है हमें, हमारी घर की औरतों को, बुजुर्ग माँ बाप, रिश्तेदारों को, चाहने वालों को, मिलने वालों को, आपको किस गुनाह की, किस खता की, क्या गुनाह कर दिया हमने, जिस खानदान पर कभी एक से क्या मुकदमा नहीं था आज उसके ऊपर 300 मुकदमे ला दिए गए, किस गुनाह पर। और जो लोग अपनी हरकतों के लिए, अपनी बदनामियों के लिए जाने जाया करते थे, आज वो शहर के शरीफों में